अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम Awana.com। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज मैं मौजूद हूँ मिवीदा की साइट के ऊपर। और इससे पहले कि आप लोग कमेंट करें कि आपने तो कोई प्रोजेक्ट छोड़ा ही नहीं जिसमें आप काम ना करें, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड पर्पसेज के लिए मौजूद हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल है वो है कि एक अनबायस्ड, जो एक ऑथेंटिक कॉन्टेंट होता है जो कि बायस नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने उसकी सेलिंग करनी है या मार्केटिंंग करनी है, जो एक ओरिजिनल कह लीजिए कि चल क्या रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, जो लोग बाकी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें काम कर रहे हैं, उनको पता चल सके कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके अलावा अगर आप मज़ीद इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट में असली में हो क्या रहा है, क्या होता रहा है, क्या सारी तफसीलात हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाई जो मिवीदा की मैनेजमेंट के साथ थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखी होगी। बहुत सारे उसमें आप लोगों के कंसर्न्स हैं जो मैंने उनसे पूछे हैं, और कोशिश की है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। एंड रेस्ट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आप लोगों को क्या करना है। मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाने के लिए। तो मैं भी मौजूद हूँ मिवीदा के मेन गेट मेन एंड्रेस के ऊपर, और उसके बिल्कुल सामने ओवरसीज कम्युनिटी का ब्लॉक है। और मेरे साथ इस वीडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे उसामा, जो कि ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मिवीदाज मैनेजमेंट, और वो जो है हमें विज़िट करवाएंगे मिवीदा का। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनसे पूछेंगे, NOC के हवाले से, ब्लॉक्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। तो आइए हम आज इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस माई गेस्ट विद यू। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा, हु इज़ द सेल्स हेड ऑफ मिवीदा, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू ज्वाइन मी फॉर दिस स्टोर, फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की क्या मेरे साथ चलें, मुझे आप खुद बताएं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने तो जो देखा है, जो मुझे पता है वो तो है, लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू, सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम उसामा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा उसामा, अब आपने मुझे ये बताना है कि सबसे पहले मैंने किसी वीडियो में देखा था कि किसी ने कहा था कि हम लोग मिवीदा की साइट पर आए, हमने विजिट किया, कुछ भी नहीं चल रहा वैसे ही है। तो अब आप मुझे बताएं कुछ भी नहीं चल रहा, और अगर कुछ चल रहा है या कुछ नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाएँ और मिवीदा पर आपने कॉन्टेंट बनाया। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि मिवीदा पाकिस्तान के दो ब्लॉक्स हैं, एक जनरल ब्लॉक है और एक ओवरसीज़ कम्युनिटी है। रिसेंटली अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये मिवीदा ओवरसीज़ कम्युनिटी का मेन बुलेवार्ड है, और मिवीदा ओवरसीज़ कम्युनिटी को जून 2022 में लॉन्च किया गया, और इंतहाई कम टाइम के अंदर आज जनवरी 2023 है, अल्हम्दुलिल्लाह आज डेवलपमेंट आपके सामने है, ये मेन बुलेवार्ड, मेन एंट्रेंस गेट, ये तमाम चीज़ें कम्प्लीट हो चुकी हैं। और इसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जल्द से जल्द हम क्लाइंट्स को पोजेशन दें, और यहाँ पर ताकि घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। सही सामान, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस टाइम पर मुझे कुछ वहाँ पे थोड़ी बहुत मशीनरी नज़र आ रही है, तो काम की क्या सूरत हाल है, पोजेशन का क्या अपडेट है, जनरल ब्लॉक पे क्या चल रहा है, थोड़ा सा पोजेशन के हवाले से बताएं कि किस तरीके से आप क्लाइंट्स को सिक्योर कर रहे हैं, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, पोजीशन के हवाले से ओवरसीज़ कम्युनिटी जब हमने लॉन्च किया तो हम डे फर्स्ट से यही कह रहे थे कि आप पेमेंट का शेड्यूल हमने 2 साल का रखा था, और हमने ये कहा कि जून 2023 में आप पहला पोजीशन ले सकते हैं प्लॉट की 50% पेमेंट अदा करके, ठीक है? लेकिन कंपनी मिवीदा मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 6 महीने के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर, आप कोई भी क्लाइंट अपने प्लॉट को 50% पे कर लेता है तो वो मौका के ऊपर अपने प्लॉट की निशानदेही करके, वो अपना प्लॉट पसंद करके, वो उसको बुक करके वहाँ पे मौके के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। हमने यकम जनवरी 2023 को यहाँ पे 100 प्लॉट का पोजीशन दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने यहाँ पे 8 से 10 घरों की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पे सेक्टर B और सेक्टर D, जिसमें 7.5 मरला, 5 मरला, 3.5 मरला, 3 कैटेगरीज हमने रखी हैं, उनका पोजीशन दे दिया गया है। यहाँ पे कोई भी क्लाइंट आज के दिन में भी यहाँ पे तशरीफ लाए, वो अपने प्लॉट को 50% पे करे और अपने प्लॉट का पोजीशन ले, और वहाँ पे फौरी अपना घर कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट कर सकता है। राइट, उसमें मुझे बताइएगा कि जो मैप है जिसके अकॉर्डिंगली वो घर बना रहे होते हैं, वो आप लोग खुद भी बना के दे रहे हैं मेरे ख्याल से, और आप लोगों के पास अप्रूवल के लिए भी लोग आते हैं, थोड़ा सा मुझे वो क्लियर करेंगे कि वो क्या है? लेआउट प्लान आपने मैनेजमेंट से अप्रूव करवाना है, हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम है वो उसकी अप्रूवल देगी। अगर आप कंपनी की इंजीनियरिंग टीम से इसकी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, साइट विजिट करें, अपनी आंखों से देखें, ऑन ग्राउंड अपना प्लॉट पसंद करें, हम आपको इसके उसके जो कंस्ट्रक्शन के एस्टिमेटेड रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वो आपके लिए सूटेबल हैं तो डेफिनेटली आप हमें बताएं, हम आपको जो है उसके मुताबिक आपको कंस्ट्रक्शन करके देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर से अपने उस घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। राइट,
दैट्स ग्रेट। अच्छा उसामा, अभी मैं जो है दो चीज़ें चाह रही थी। मैंने भी देखा है आपके क्लाइंट आए हुए, मेरे ख्याल से वो अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम उनको भी इस वीडियो में शामिल करें, एक तो वो चीज़। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ बाउंड्री में दूसरे प्रोजेक्ट कुछ जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा टूर कर लें। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि कितनी बाउंड्री जो है वो मिरीदा की है, फिर उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, एक थोड़ा सा डिटेल टूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम टूर पर चला फिर। अच्छा उसामा, अभी हम आए हैं सेक्टर बी में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या काम चल रहा है इस टाइम पे? सेक्टर बी के अंदर सिर्फ दो रेजिडेंशियल कटिंग है, 7.5 मरला और 5 मरला। अभी हम जिस स्ट्रीट में खड़े हैं, ये स्ट्रीट नंबर 3 है और प्लॉट नंबर 45 और 46 है, जहाँ पे क्लाइंट ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दी है, जिसमें हम इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर आपको जब वीडियो दिखाएंगे तो उसमें ये ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होगा। और इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर घरों की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। जिस तरीके से अभी हम सेक्टर डी का विज़िट करेंगे, वहाँ पे भी 3.5 मरला के घर की कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हैं, जिसमें पानी है, बिजली है, लाइट पोल्स आपके इंस्टॉल हो चुके हैं, सीवरेज की लाइनें डाल दी गई हैं। आपकी जो स्ट्रीट है वो कम से कम जो इसकी चौड़ाई है वो 40 फीट की ये स्ट्रीट है, इससे कम हम पूरी इस कम्युनिटी के अंदर इससे कम हम स्ट्रीट नहीं दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, मेरे ख्याल में हम सेक्टर डी का विजिट कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास 3 कटिंग है, 3.5 मरला, 5 मरला और 7.5 मरला। इसी तरीके से स्ट्रीट नंबर 2 का प्लॉट नंबर 24 है, इसका भी प्रॉपर तौर पर इसकी डिगिंग कर दी गई है। क्लाइंट ने इसके ऊपर भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह कल से यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको लेबर नज़र आएगी काम करते हुए। डे बाई डे यहाँ पे क्लाइंट्स तशरीफ़ ला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का प्लॉट बुक कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़मीन लेकर वहाँ पे अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का खूबसूरत घर भी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप भी देर मत करें, आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड विज़िट करें, साइट का विज़िट करें, अपनी पसंद का प्लॉट बुक करें और फ़ौरन पोजेशन लें, अपना घर बनाएँ। सामा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये तो हम लोगों ने बी सेक्टर कवर कर लिया, अभी इसके बाद हम लोग डी सेक्टर में जाने वाले हैं और फर्दर मैं फर्दर आपको पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी का जितना भी लैंड है उसका विज़िट करवा देता हूँ, ठीक है। और सेक्टर डी के अंदर भी तमाम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे जस्ट क्लाइंट ने आना है, अपना प्लॉट बुक करवाना है और अपने घर की तामीर का आगाज़ करना है। यानी कि आपने प्लॉट का 50% आधी कीमत के ऊपर आप अपने घर की तामीर का आगाज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्टर सी का विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आर्टिफिशियल लेक की कटिंग भी की जा रही है। मैं आपको उसका भी विज़िट करवाता हूँ। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर डी की स्ट्रीट नंबर 3 में। यहाँ पे 2040 का एक घर, इसका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम जारी है। ये वीडियो आपको एक एक गली का, एक एक सेक्टर का विज़िट करवाने का मकसद यही है कि हम अपने व्यूअर्स को ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो दिखा सकें, जो रियलिटी है वो दिखा सकें। ना सिर्फ हम मैप की हद तक, ना सिर्फ हम 3D वीडियोस की हद तक, बल्कि ऑन ग्राउंड क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लैंड कितनी मौजूद है और उस लैंड के ऊपर हम कितना काम कर चुके हैं, कितना करना चाह रहे हैं और हम मज़ीद हमारे क्या प्लान्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं। अभी हम आपको डिफरेंट ब्लॉक्स का भी विज़िट करवाते हैं, उसमें आपको मज़ीद लैंड का आइडिया हो जाएगा और सेक्टर सी का भी आपको विज़िट हो जाएगा। तो सामा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैप और ये सारी चीज़ें। अब आपने मुझे बताया, जिस तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताएं, हम अभी कौन से सेक्टर में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, कटिंग्स हो रही हैं, यहाँ पर क्या बनने वाला है। आई वुड लाइक यू टू टेल आवर व्यूअर्स एज़ वेल। जी मैडम, हम अभी सेक्टर सी में मौजूद हैं। ये हमारी लेक डिस्ट्रिक्ट की कटिंग है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे बुलेवार्ड का दूसरा फेज़ स्टार्ट हो चुका है डेवलपमेंट का, इसकी जितना भी बेस वर्क है वो कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे हम इन फ्यूचर अपार्टमेंट्स, कमर्शियल जो लेक फ्रंट व्यू के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स भी इंशाल्लाह ताला हम ऑफ़र करेंगे। और यहाँ पर अभी 7.5 मरला और 5 मरला के लेक फ्रंट जो है वो इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। ओह दैट्स नाइस, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग मेरे ख्याल से चलते हैं जनरल ब्लॉक की तरफ। मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, हम इसके एंट्रेंस पर चलते हैं, मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं कि वहाँ पर कौन से प्लॉट्स की कटिंग्स मौजूद है, क्या होने वाला है वहाँ पर क्या अपडेट है। जो मॉस्क आप लोगों की फंक्शनल हुई है उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं। मेरे ख्याल से हमें अब जनरल ब्लॉक की तरफ। ओके व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं जनरल ब्लॉक के मेन बुलेवार्ड में फ्रंट पे। मैं सामान आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे बताइएगा जनरल ब्लॉक में इस टाइम क्या अपडेट्स हैं। और आई कैन सी मॉस्क जो है वो फंक्शनल हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुद बताएं व्यूअर्स को जनरल ब्लॉक की जितनी भी तफसीलात हैं, करंट अपडेट्स हैं इस टाइम पे।
जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं मिविदा जर्नल ब्लॉक के मेन बुलेवार्ड के ऊपर। ये 220 फीट की इसकी चौड़ाई है, इसके साथ 60 फीट की सर्विस रोड दी गई है जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक एसफाल्ट हो चुका है। लाइट पोल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, सीवरेज की लाइनें डाल दी गई हैं। अभी इसके साथ साथ मुख्तलिफ ब्लॉक्स का काम हमने शुरू किया है। ग्रैंड जामिया मस्जिद मोहम्मद कम्प्लीट हो चुकी है, इंजीनियरिंग ऑफिस कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ 8 मरला के मॉडल विलास का भी काम हमने शुरू कर दिए और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि हम अगस्त 2023 तक जर्नल ब्लॉक के 5 मरला 8 मरला 10 मरला 14 मरला कनाल 2 कनाल के तकरीबन मैक्सिमम हम प्लॉट्स की जो है वो डिलीवरी करें। सही हो गया। कैमरामैन, मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे जो लगी हुई है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो भी आप व्यूअर्स को दिखाएं, जब तक मैं दूसरा आपसे सवाल पूछती हूँ। सर मुझे बताइएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपसे पूछना चाहती थी। एक तो अभी मैंने आप लोगों के जो रिजर्व लाइन्स हैं वो मैंने देखे हैं, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं है कि आप लोगों ने उस पर कोई क्या लॉन्च कुछ करना है। एक तो आपने मुझे सवाल से बताया, मैंने आप लोगों के जो रिजर्व लाइन के पैचेस देखे हैं चक्री रोड के ऊपर, ठीक है, एक तो मुझे आपने वो बताना है कि उसका आप लोगों को कोई प्लान आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे, वो आप लोगों ने क्या करना है। सेकेंड, मैं आपसे सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है NOC के हवाले से। मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने मिविदा के डायरेक्टर के साथ शूट की है उसमें भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में भी मैं आपसे पूछूँ कि क्या स्टेटस है फ्रॉम RDA फ्रॉम FATA, क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले रिजर्व्ड एरिया जो है हमारे पास, हमने अभी तक कमर्शियल नहीं लॉन्च किया। कमर्शियल प्लॉट्स हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं और बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमने इसको रिजर्व रखा हुआ है। हम अंदर कम्युनिटीज़ के कमर्शियल को इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको उस हवाले से भी हम बहुत कुछ नया भी इंशाल्लाह ताला आपको देंगे। इसके अलावा जो आपका अप्रूवल का क्वेश्चन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लीगल स्टेटस में बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं हमारी, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो इदारों के अंदर सबमिट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान के जो इससे मुतलका इदारे हैं, पंजाब के हवाले से FATA है, RDA है, हम उम्मीद करते हैं कि वेरी सून आपको इस हवाले से गुड न्यूज़ देंगे और इंशाल्लाह ताला हम मिलके इसको सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह। उसामा, इस ये वीडियो के बाद के जो एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो बनाई इन्फॉर्मेशन नॉलेज के पर्पज़ से, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को कम्प्लीटली उनको पता चल सके कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में है मैं पूछना चाहूँगी, जो व्यूअर्स हैं आपके क्लाइंट्स हैं, जो लोग शायद पहली दफ़ा मिविदा के बारे में जाने, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि वो आप लोगों के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मिविदा के ऊपर ट्रस्ट करें। जिस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट की दो चीज़ें होती हैं, लैंड होती है और लोकेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन के हवाले से हम बहुत अच्छी लोकेशन पे जो है इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। लैंड के हवाले से अगर हम बात करें तो मेन चक्री रोड के ऊपर लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मेन चक्री रोड से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कम्पैक्ट पीस की सूरत में लैंड मौजूद है जो चक्री रोड के दोनों साइड पर है। एक साइड पर हमारा मिविदा ओवरसीज़ कम्यूनिटी है और दूसरी साइड पर जर्नल ब्लॉक है। आप यहाँ पर ख़ुद विज़िट करें, ग्राउंड रियलिटी देखें, इस बड़े एक जो है कम्पैक्ट पीस जो हमारे पास लैंड का मौजूद है, आप इसको विज़िट करें। आप यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हम अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके अपना फौरी तौर पर पोजेशन ले सकता है, कब्ज़ा ले सकता है, घर बना सकता है। इससे बढ़कर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम उसको ये नहीं कह रहे कि आज आप प्लॉट बुक करवाएं, आइंदा 2 साल के बाद आपको पोजेशन ऑफ़र करेंगे, बल्कि हम उसको ये भी ऑफ़र करें कि आप प्लॉट की आधी कीमत दें, अपना घर बनाना शुरू करें, तो डेफ़िनेटली इसी में हमारी भी कामयाबी है और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई उससे बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स क्लियर हो चुके होंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन, कोई और मज़ीद अगर आप लोगों के सवालात हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं, और इसको आप लोगों ने, इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उसको लाइक करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली दफ़ा तक के लिए आप लोगों ने देनी है मुझे इजाज़त। मज़ीद आप लोग इस तरह कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अमानत.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।